नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इलेक्ट्रो स्विंग जॉनर को बनाना सिखाने वाला हूं। नया जॉनर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है अभी, और मैंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया है और इसको इलेक्ट्रो स्विंग से मॉडर्न करके मॉडर्न इलेक्ट्रो स्विंग बीट बनाई है मैंने। तो इसमें थोड़ा सा नया म्यूज़िक यूज़ किया है, हाउस म्यूज़िक है ये, हाउस म्यूज़िक का एक टाइप है। और सबसे पहले आपको मैं इसकी ड्रॉप सुना देता हूँ। तो इसकी LUFS वैल्यू कितनी आ रही है वो और चेक कर लेते हैं, शुरुआत में ही कर लेते हैं चेक। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो -6.4 के आसपास इसकी जो ड्रॉप है उसकी LUFS आ रही है इंटीग्रेटेड, तो डिसेंट है आपके लिए। अगर आपको इतनी LUFS लाउडनेस पसंद है तो आपको बढ़िया है। अब चलो, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन काम की बात। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसका मिक्सिंग मास्टरिंग का भी ट्यूटोरियल डालूँ तो आप मेरे को बताना। अभी मैंने इसकी वॉल्यूम लेवल कम कर रखा है इसलिए आपको थोड़ा सा लाउड कम सुनाई दे रहा हो, ताकि मेरा वॉल्यूम लेवल और म्यूज़िक का वॉल्यूम लेवल बराबर हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इसमें यहाँ पर पियानो प्ले किया हुआ है, ये जो पियानो है मैंने कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी यूज़ करी है, एलिसिया कीज, उसके अंदर प्ले किया हुआ है। और इसमें मैंने रिवर्ब लगाया हुआ है इसके साथ, तो ये जो ब्रास है ये मैंने यूज़ किया है फ्लेक्स का। फ्लेक्स में आप देख सकते हो एसेंशियल विंड्स में आपको दे रखा है फुल ब्रास स्टिकैटो। और इसके साथ अगर हम आगे चलते हैं, नया एक गिटार का साउंड है यहाँ पर, ये जो प्रीसेट है, ये जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है इसके बारे में बता दूँ, ये मैंने जैज़ म्यूज़िक का कॉर्ड प्रोग्रेशन लिया है, तो इस तरीके से मैंने प्ले किया हुआ है। अब ये जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है ये है एक तरीके से, मतलब आप ये कह सकते हो ये साइन है अगर आप इलेक्ट्रो स्विंग अगर आप म्यूज़िक बना रहे हो तो उसका। यहाँ पर मैंने एसेंशियल गिटार्स में यूज़ किया म्यूटेड स्ट्रैट को, तो अगर आप देखो तो ये इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट आपका। और अभी आगे चलते हैं, एक आर्प यहाँ पर प्ले हो रहा है और ये है प्लक, और ये प्लक है लेथाल के अंदर मैंने लिया हुआ है। लेथाल में आप देखोगे तो कोर लाइब्रेरी में प्लक्स में एनिमल प्लक 01 ये मैंने यूज़ किया हुआ है, और ये लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, वो मूव हो रहा है। शेपर बॉक्स में, शेपर बॉक्स में आप देख सकते हो मैंने इसमें पैनिंग का, लेफ्ट टू राइट मूव होने का, और इसमें टाइम का भी इफेक्ट डाला हुआ है और एक फिल्टर डाला हुआ है। तो ये सब चीज़ें इसमें हो रही हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ पर वापस आ जाते हैं हमारे ड्रॉप पर, और ये एक ड्रीमी प्लक है जिसको मैंने प्ले किया हुआ है मोबाइल सिंथ प्लक पर, और ये है सिंक प्लक बॉडी, बहुत ही अच्छा है ये प्लक। इसके साथ ये बेस प्ले किया हुआ है मैंने, बेस मैंने लेथाल पर प्ले किया हुआ है। लेथाल पर बेस के अंदर जाते हैं तो अभी मेरे को रीस बेस 02 कोर लाइब्रेरी के अंदर आपको मिल जाएगा, या ये यूज किया हुआ है मैंने इसके साथ। ये मैंने आर्प की तरह प्ले किया हुआ है, और ये फ्लेक्स पर प्ले किया हुआ है एसेंशियल गिटार्स ब्राइट हैमबकर AC15, इसको आप मेरे को काफी ज्यादा यूज करते हुए देखते हो। तो ये था हमारा मेलोडिक पार्ट, इसको मैं एक बार आपको सुना देता हूं। ठीक है, अब ये सुनते हैं, किक का साउंड है। मैंने ज्यादातर जो सैंपल यूज किए हैं कश्मीर पैक के किए हुए हैं, एक बात आपको बता देता हूं कि अभी ये जो बीट है मैंने सिंपल बनाई हुई है, लेकिन यहां पर जो पर्कशन वाला टॉप लूप का जो पार्ट है वो आपको दिखा देता हूं।
आपको जो भी मैंने सैंपल यूज़ किए हैं वो दिखा देता हूँ आपको, ये रहे सभी सैंपल्स के नाम, मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, अदरवाइज आप पॉज करके देख सकते हो। तो अब भी हम आगे चलते हैं, शेकर का साउंड है, तो अगर मैं आपको सारी बीट्स सुनाता हूँ इसकी, और ये क्या है, राइट का साउंड है जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, और इसके साथ ये टॉम का साउंड है जो इसमें जुड़ रहा है। तो अभी पूरी बीट अगर हम सुनते हैं ध्यान से, होपफुली इसमें यही साउंड है अभी, ये था। नीचे क्या है, एक तरीके से एम्बियंस को फिल कर रहा है ये वाला साउंड, और ये फ्लैक्स में मैंने शायद प्ले किया हुआ है, सेवन सोल नाम से दे रखा है फ्लैक्स में, तो आप देखोगे तो आक्सुन सिटी स्केप में सेवन सोल नाम से ये है, तो ये फुल कर रहा है। अभी हम आगे चलते हैं, स्ट्रिंग का साउंड है, अगेन ये फ्लैक्स पर लिया हुआ है, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में मैं फ्लैक्स का भी काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, लेथर और फ्लैक्स का मैंने बहुत यूज़ किया है, एसेंशियल स्ट्रिंग्स में ऑल स्ट्रिंग स्टिकैटो इसका यूज़ किया हुआ है। इसके साथ ये क्या है, ये जो सिंथ का प्रीसेट लिया हुआ है मैंने लेथाल पर प्ले किया हुआ है आई थिंक, और लेथाल पर आप देख सकते हो कोर लाइब्रेरी के अंदर सिंथ में आफ्टर डार्क सिंथ को यूज़ किया हुआ है मैंने। आपको एक बार मिडी फाइल दिखा देता हूँ कॉर्ड प्रोग्रेशन की, जो भी मैंने प्ले करी है ये है, और जैज म्यूजिक का ही जो कॉर्ड्स थे उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने यहाँ पर प्ले कर दिया है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स लगाए हुए हैं, जैसे ये स्नेयर का लगाया हुआ है, तो सुनते हैं। नीचे मैंने काफ़ी सारी फिल्टरिंग करी हुई है जो ड्रॉप के टाइम पर आती है, और इसके साथ मैंने काफ़ी सारे इफेक्ट्स भी यूज़ किए हुए हैं जो कि आपको सुना देता हूँ। बाय द वे ये जो मैंने इफेक्ट्स यूज़ किए हैं ये हैं TPS के इफेक्ट्स टूलकिट जो कि फ्री है बिल्कुल, आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ एम्बियंस शॉट लगाया हुआ है TPS का ही, ये इफेक्ट्स टूलकिट के अंदर ही मिलता है, तो अब की बार मैंने जो इफेक्ट्स यूज़ किए हैं अधिकतर उसमें फ्री हैं और आपको TPS FX Toolkit के अंदर मिलते हैं। तो ये सभी मैंने सेट किए हुए हैं, आप देख सकते हो पूरा सॉन्ग बन गया है, नीचे फिल्टरिंग करी हुई है, ऊपर पूरा म्यूज़िक प्रोडक्शन किया हुआ है। तो जूम आउट करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये पूरा प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको एक बार ये पूरा सॉन्ग यहाँ से लेकर एंड तक जब तक ड्रॉप आती है तब तक का सुनाने वाला हूँ। अभी आपको जो वीडियो में कोई हाथ दिखा था वो हमारी धर्मपत्नी का हाथ था, अब आता रहेगा ऐसे वीडियो में बीच बीच में, अभी वो साइड में खड़ी है, मैं उनसे कह रहा था प्लीज मान जाओ, देखो वीडियो तो फिनिश करने दिया करो यार, तो होता रहेगा जब आपकी शादी हो जाएगी तब आपको पता चलेगा, अभी वीडियो फिनिश कर लूँ। अच्छा ठीक है, तो ये था
आज हमारा थोड़ा सा गस्ती का भी आपको दिख गया। अभी आते रहते हैं, अब आते हैं ऐसे वीडियो में भी आते रहते हैं, प्रोडक्शन में भी आते रहते हैं, तो आप माइंड मत करना, ऐसा चलता रहेगा। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा। तो टेक केयर, और कोरोना से दूर रहना, अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस करो और मुझको भी सुनाओ, और मज़े करो। टेक केयर, बाय बाय।